आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वो पहले से ही इस मामले में 40 दिनों से जेल में हैं और अब उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत की उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट ने भी आज सुनवाई के दौरान चिदंबरम को झटका दे दिया। तो क्या कहना है कोर्ट का, आइए देखते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय संभालने वाले पी चिदंबरम आज मुश्किलों से घिरे हुए हैं। उनकी परेशानी आईएनएक्स मीडिया को लेकर बढ़ी हुई है। जी हां, आईएनएक्स मीडिया केस में जेल में बंद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से आज भी राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री की जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। सीबीआई ने चिदंबरम को जमानत दिए जाने का विरोध किया था। सीबीआई का कहना है कि चिदंबरम जेल से बाहर आने पर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। साथ ही सीबीआई ने शुक्रवार को जमानत की अर्जी पर कहा कि चिदंबरम देश छोड़कर भी भाग सकते हैं। तर्क दिया गया था कि दिग्गज कांग्रेसी नेता हमेशा के लिए किसी दूसरे देश में रह सकते हैं और ऐसे में केस की सुनवाई पूरी होने तक उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ की तो नहीं है, पर इस बात की संभावना जरूर है कि चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। आपको बता दें कि चिदंबरम फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और अब बेल की अर्जी खारिज होने के बाद उन्हें जेल में ही रहना होगा। गौरतलब है कि चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। सीबीआई और ईडी ने आईएनएक्स मीडिया की प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी के बयानों के आधार पर चिदंबरम को अपने शिकंजे में लिया था। जांच अभी भी जारी है और मामले में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 2007 में 305 करोड़ रुपए का विदेशी धन हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता बरती गई। इस दौरान पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे। वहीं आज हाईकोर्ट से झटके के बाद 3 अक्टूबर तक चिदंबरम को तिहाड़ में ही रहना होगा और 3 अक्टूबर को अब दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। ऐसे में देखना है कि चिदंबरम को कोई राहत मिलती है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।